यार मैंने शादी मुबारक सुनी हुई है, ब्रेकअप मुबारक सुनी हुई है, क्लास 10th में तू पास हो गया बेटा तू मुबारकबाद, पर मर्डर मुबारक पहली बार सुनी है होमी। ये ट्विस्टेड टाइटल पैदाइशी ट्विस्टेड थॉट्स होते हैं आपके कि आपने किसी से चुराया हुआ है? नो, दिस इज द राइटर्स हैव गिवन मी दिस टाइटल। आप हमेशा राइटर पे क्यों डालते हैं सब? क्योंकि ये मैंने सुना है कि आप पैदा हुए थे, जब आप अस्पताल में आए तो नर्स ने भी कहा ये ट्विस्टेड थिंकर है। Actually, when I was born, my mom saw me and slapped the doctor. And my dad left the room. And hence, I have grown into this twisted being. Aisa kya? So, do actors, you all also feel like that, Sara, sometimes? Jaise wo doctor chhod diya room, father left the room. Did you sometimes feel, jab ye aapko kuch aise ideas de rahe the, you said, I want to leave the room? To homies? Yes. That I want to leave the room? Yeah. No. Never. Never. I love that never. That was very never. Never. Sir, डरा रहे क्या आप सबको? Whatever happened in that hospital room back in the day, it was great for all of us. I think it happened to all of us. So all of us were in the room with equal desire. हम सबको पैदाइशी problem है. सब लोग अच्छा करिश्मा. She's like, not me. She's like अपनी बात करो. It's not generalized. Are you not part of us? No, no, I am, of then, course. I am. So then you're also not normal. You know, she's just because thanks she's a lot. Any normal person has not been cast. No, I'll tell you honestly, I think all actors have an eccentricity. Correct? Especially us. It's... No, आप वो है, वो जब सारे students पकड़े जाते हैं class में, एक जो कांड करती है उस side में खिसक जाती है, ये वो है. ये वो आ रहे हो, ये तो double है, ये real life में भी actor है, picture में भी actor है. What rubbish is this? What are they saying? But this is true. True, no? It's my bottom. Oh my God. Thanks a lot. अरे but no. It is factually correct. You're what? A heroine in the film and in reality. In reality. हाँ, okay, but I meant, like that. Hello, Sara. तो double double. तो इसलिए आप acting कर रहे हो. संजय भाई. बोलिए. जब आपने बॉल्स का डायलॉग बोला था अभी बेटा गुप्तन बॉल्स आई लाइक कैन यू रिपीट दैट फॉर मी बॉल्स यू बोले कई अंग्रेजों के गुप्तांग उड़ा दिए गुप्तांग बॉल्स बैम्बी बेटा बॉल्स आई लव इट विजय पहले करीना नेटफ्लिक्स फिर करिश्मा नेटफ्लिक्स तो आप कपूर सिस्टर से ज्यादा प्यार करते हैं कि नेटफ्लिक्स से आई थिंक इट्स नेटफ्लिक्स इन्हें सच्चे दिल से बताओ बिकॉज इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड माय फ्रेंड सॉरी नेटफ्लिक्स आई वाज इन लव विद यू बिफोर बट नाउ आई एम इन लव विद द कपूर सिस्टर्स देखिए ये पहला द ओनली रीजन ही सेइंग दिस इज बिकॉज़ शी इज कॉलिंग अस फॉर डिनर दैट विल हैपन एनीवे क्या बात है यार संजय जी ये वापस जेन्युइनली सीधी सादी है कुछ नहीं कर रहे आप सिर्फ बॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं कुछ, कुछ नहीं कुछ नहीं ये कुछ नहीं ये अभी ये खाली क्लब की मेंबर वो जो हेड बनना चाहती है जो मैं बनने नहीं दूंगा शहनाज को बनने नहीं दूंगा तो शी इज ओनली नाउ इनडायरेक्टली सबको डिनर का बोल रही है ताकि इस पे वोट हो ऐसा कुछ होने नहीं वाला शहनाज नूरानी इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड वंडरफुल लेडी ऑफ मे बी सिंपल बट शी इज डेफिनेटली नॉट डिग्निफाइड Excuse me, and you are. Of course, what I am. What rubbish. Royalty, yeah. Please. Vijay is royalty. We're orange juice. Rubbish. Coming back to you. Royalty. Vijay Verma, बताइए तो आपका ज़्यादा affection है for the Kapoor sisters क्यों? एक करिश्मा के लिए कैसा affection? करीना के लिए कैसा affection? करीना के साथ जो affection था वो सब जाने-जामे देख लिया लोगों ने. वो एक क्या कहते हैं fatal attraction. One-sided love, दूर से देख के निहारे जाते हैं निहारे जाने वाला प्यार एंड विथ करिश्मा आई गॉट टू हैंग आउट विथ हर वेरी क्लोजली एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स सो एक बहुत अच्छी दोस्ती है एक बहुत अच्छा हमारा प्यार है और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी रह चुका हूँ सारा मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका जो शायरी करती हैं आप यू बिकम अ लिविंग लेजेंड लिटरली आपका जब वॉक होता है इट्स नॉट द वॉक ऑफ अ स्टार इट्स अ वॉक ऑफ अ पोएट So really, okay. What does that mean? It's a walk of a poet. Poet joke लोग होते हैं ना जो thought. कैसे चलते हैं? कैसे चलते हैं? दिखाते हैं ऐसे. Poetically. Poet लोग poetically. जी. ऐसे देखिए. जैसे आप पूछो how's the weather तो बोलेंगे life is beautiful. You, I'm this person. ये मैं हूँ. क्योंकि आप poet हैं ना poet हैं. अच्छा. But honestly बताइए जब आप इतने solid poems बोलती हैं शायरियाँ बोलती हैं who's that one person in this group जो हंस हंस के पागल हो जाते हैं और वाह वाह ऐसे चिल्लाते हैं क्या बोलती हो This person is my fan.
ऐसे लोग यहाँ नहीं हैं. At all. I don't think she cracked one poetry. ऐसे रैक सेट पे. रैक ना the poetry. How she says them is amazing. Right? It's only for social media and Instagram. It's only for my darshaks. यानी के आप इन लोग अपना family नहीं मानती हैं, दर्शक नहीं मानती हैं. कि आपने एक बार फैमिली एक तो एक चीज होती नहीं है. दूसरी बात कोई ऐसे पोएट ऐसे लाइफ इज व्हाटएवर करके चलता है नहीं भाई. नहीं होता है. मैं मेरा दोस्त है पोएट. मेरा एक दोस्त है पोएट. आई एम टेलिंग यू दिस प्लीज अंडरस्टैंड. टेल मी मोर अबाउट हिम. उसको हां सुनो. उसका पेट खराब था. मैंने कहा क्या हुआ तेरे पेट क्यों खराब है. तो बोला लाइफ इज लाइक दिस ब्रदर. तो कुछ भी बोलते थे वो लाइफ की फिलोसफी मारता था. बट लीव ऑल दैट. आई थिंक आपके जो 7 फैंस यहां बैठे हैं वो तड़प रहे हैं आपकी एक शायरी के लिए. और हर लाइन के बाद आप लोगों को वाह वाह बोलना पड़ेगा. ओके स्टार्टिंग विथ होमी. आई हैव एन आइडिया. हम ना साथ में एक शायरी बनाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम होमी. ओके एक एक वर्ड करके ऐसे एक एक सेंटेंस करेंगे हम लोग. आप दिखाएंगे आपको हमारा टीम. या आई लाइक इट. ओके सो हु आर वी स्टार्टिंग फ्रॉम. होमी सर. चलो वी गो लाइक दिस. होमी सर स्टार्ट. ये देखो वो शायरी वाला लुक. ये लुक बिहाइंड. दिस इज इट. ओके. लड़की के होठ से कुछ लाल बह रही थी. मजा गया. लड़की के होठ से कुछ लाल बह रही थी. हिंदी ही गलत ना जाने क्यों. इसके बाल पे भी बह रही थी. ना जाओ सैया छुड़ा के बैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी. Why you have to continue? You can't analyze it. Continue. लड़की के one line at a time. What's wrong with you guys? Hey, लाल निकल रही है. पहले वो खचाक में फंसा दिया ना. Hello. लड़की के मुंह से लाल बह रहा था. नहीं. ना जाने होमी सर क्या कह रहा था. आहा. लोलो ने कहा मोडर मुबारक. वेट करना तब तक. मूवी को देखना है सबका हक. रिमोट अपने पास रख. व्हाट द संजय जी. आई रिक्वेस्ट यू हम्बली अच्छे एक्टर शायरी जिंदगी में मत करिएगा सर. इसका इनको देखना मर्डर मुबारक. और ना देखा तो आपके साथ क्या होगा. कोई शक. नॉट बैड. इसका आप हमेशा रूल ब्रेकर रही हैं राइट. एक रूल जो आपने तोड़ा लाइफ में जो लोगों ने कहा मत कर मत कर मर्डर कर देंगे आपका पर आपने तोड़ा. आपने प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो विच आर वेरी प्राउड ऑफ. क्या है. मेरी फैमिली में सारे लेखक हैं. यहां तक कि मेरी मदर ने भी एक कलरिंग बुक विद नोट्स लिखी हुई है. टू बिकम एन एक्टर वॉज ब्रेकिंग द रूल. एवरी वन इन माई फैमिली वॉज लाइक क्या कर रहे हो तुम ये कैसे कर सकते हो. सो दैट वॉज ब्रेकिंग द रूल्स. हाउ नाइस. आई एम ग्लैड यू डिड दैट ऑल्सो. बहुत ही डिग्निफाइड स्वीट लड़की है ये. हमेशा ऐसे डिग्निफाइड रहती है. याद आवे. एक सेकंड एक बन गई है. अभी बनी. माने डोंट नो आई लाइक द वे शी स्पोक ना. हम लोग बाकी सब ऐसे कर रहे हैं ऐसे. प्रिम एंड प्रॉपर. वेरी नाइस स्वीट. अप्रिशिएटेड. आइए सर. 40 घंटे बाद वापस कर रहे हैं. इरशाद है. इरशाद है. लाइट बल्ब जगलना बट हाँ आवाज नहीं हुई. हाँ पर बला का दर्द उठा. बहुत दर्द है. हुई पर बला का दर्द उठा है. अरे नीचे कौन पड़ा है. लगता है दिल्ली पुलिस से भवानी सिंह आए और उन्होंने कहा मुबारक हो मर्डर हुआ है. बॉस नॉट बैड. क्या बात. यू आर गेटिंग वेरी इनसिक्योर सारा जी. बहुत इनसिक्योर हो रही है सारा. सबटाइटल्स का काम इसको जा रहा है. नहीं ये अभी मेन है. आप उनकी साइड की क्या सारा. मैं तो हो गई हूँ साइड पे भी मुझे किक आउट कर देंगे. अच्छा एक गाना था याद आवे राइट. यस है वो गाना. है क्यों. मैंने आपको एंगल गलती पर याद आवे. इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. यस सर. बहुत ही अच्छा गाना. बट इट्स अ ब्रेकअप. आई हैड हर्ड इट वंस. होमी हैड मेड बी हियर इन हिज लैपटॉप रिसेंटली व्हेन आई वेंट टू द थिंग एंड यस्टरडे इट्स बीन गोइंग ऑन सोशल मीडिया एंड आई एम लविंग द सॉन्ग. आई थिंक सो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. रियली नाइस होमी. वेल डन होमी. आप उसको कॉल इट अ ब्रेकअप सॉन्ग.
It's about long love and longing. Longing. It's about longing. And that inability to forget someone because they're just a piece of your heart. The piece of your heart. Yes, it is. He's right. क्या बात है? तो let me define it as a breakup song. Has any one of you genuinely किसी ने आपको बुलाया है for a breakup party? Isn't it? जैसे दिल से जैसे आजकल से एक trend हो गया ना breakup party हो गया तो party के लिए आ जाओ divorce party. दोस्ती टूटना वाला पार्टी बट दे सेलिब्रेटेड टुगेदर हैज एनी वन ऑफ यू बीन इनवाइटेड फॉर अ ब्रेकअप पार्टी मर्डर पार्टी कर रहे हैं सर आप कैसी पार्टियों की बात कर रहे हो हम लोग मर्डर मुबारक बोलते घूम रहे हैं आप ब्रेकअप की बात कर रहे हो हैव यू एवर बीन टू अ ब्रेकअप पार्टी और नॉट वी बीन टू अ मर्डर पार्टी सर ब्रेकअप इज अ जोक कंपेयर्ड टू मर्डर यू आर नॉट गेटिंग द आई गॉट द ग्रेविटास ऑफ मर्डर मुबारक वी वॉक अराउंड सेइंग दैट वी हैव मर्डर मुबारक कैप्स Should we show you? First, he'll tell you about the lyrics. And one person doesn't leave the party. We have these parties. Yeah. Yeah? Yes. Okay, Karishma, if I told you, one actor, jinke saath aapko laga bahut achhi dikhti hai, zabardast dikhti hai, especially in your early days of acting, wo kaun hai? This is a trick question. I look good with all Arre, aise nahi yaar, aap... No, genuinely, I feel that. That's my opinion. Hmm. I think I look good with all because of them. You are good looking. Yeah. You have to say that. Okay, thank you. Okay, jaane se pehle, phatafat main ek angaar wala round kar raha hu, fire wala round. All right. Homie. Yes. One theory of any of your films. जो लोग आज भी आपसे पूछते हैं लाइक दे हैव सीन योर फिल्म दे हैव नॉट अंडरस्टूड इट बट बाद में आके आपसे पूछते हैं वो कौन सा है ओह गॉड दैट्स इन ऑल माय फिल्म्स इन ऑल माय फिल्म्स आई विल गेट दिस क्वेश्चन बट आई थिंक वन बिग क्वेश्चन आई गॉट वाज आफ्टर कॉकटेल ऑफ व्हाई वेरोनिका डिडंट गेट द बॉय एंड आई कुडंट एक्सप्लेन इट बिकॉज आई हैडंट रिटन इट सो अगेन इट्स आई एम स्लैमिंग इट ऑन द राइटर्स ठीक है अगला विजय Yes, sir. One thing that you took away from this film, जो तुमने बोला यार मैंने नोटिस नहीं किया अपने बारे में बट है one thing that I took away from the film was how easy and how comfortable it was to work with this entire team and how delightful and I think वो क्या है ना कभी कभी लगता है कि आप सुबह उठ के काम पे जा रहे हो वो फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है It looked like a Easy breezy. तो माने आपको पैसे भी नहीं मिलने चाहिए इस फिल्म के लिए सिर्फ एंजॉय कर रहे थे नहीं मैं एंजॉय करने के भी पैसे लेता हूं आई लव इट ऑलराइट सोहेल द इंपैक्ट दैट उड़ता पंजाब हैड इन योर लाइफ क्या है आपके सामने ये फिल्म आपने उस फिल्म में देखकर इनको कास्ट किया क्या नहीं नहीं मतलब सब कुछ ये करियर शुरू हुआ उड़ता पंजाब से तो सब मेरी जिंदगी बदल गई तो या Karishma, one thing that used to happen in the 90s that doesn't happen now and you're happy ki nahi hota hai? Trick question, but I think we just made films on instinct. Sometimes we didn't even know ki ye kya scene hai, wo pak jata tha set pe, wo ban jata tha set pe. So I think that does not happen today. Today we really know what is happening, the lines are in place, the script is in place. Which in a way it's a good thing also that we know what's happening. Sanjay, मैंने सुना था कि अगर सिर्फ तुम फेल हो जाती तो आप इंडस्ट्री छोड़ देते आपने किसी से कहा था क्या मैंने ये कहा था कि आई वॉज गोइंग टू गेट इन टू प्रोडक्शन जो बाद में हुआ सिर्फ तुम के चलने के बावजूद मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की तो मैं इसलिए प्रोडक्शन में चले गया था चलने के बावजूद क्या बात है टिस्का जाने से पहले मुझे बताओ One word about each of these co-actors जो आपके ज़हन में आता है, starting from Sara. इतना घूर रही कुछ आ ही नहीं रहा है बोले. That is love. Karishma. I like the way you're analyzing. Huh? You need a magnifying glass. Be instinctive about it. Give her her space.
Karisma fan. Sohail. Talent bomb. Homie. Old soul. Oh, Vijay, mere bhai, Dubai jaake. Sexy. Sexy. Kya baat hai. And Sanjay. Sanjay, adorable. How sweet.